उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बन रही है बताओ, आप लोग बोलो, अरे आप लोग बोलो, मैं पूछने वाले पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बन रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के करीब आते ही बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न दलों के उम्मीदवार तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और जनता से वादे करने के साथ ही उन्हें चेतावनी और धमकी भी दी जा रही है। ऐसा ही एक मामला संभल से सामने आया है जहां बीजेपी के यहां नेता राजेश सिंघल को अपना उम्मीदवार बनाया है और राजेश सिंघल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा यदि इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया गया तो उनकी हालत होमगार्ड से भी बुरी हो जाएगी। आप भी सुने इस उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बन रही है बताओ, आप लोग बोलो, अरे आप लोग बोलो, मैं पूछने वाले पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बन रही है, जोर से बोलो, योगी जी बन रही है, जब योगी जी सरकार बन रही है तो संभल के अंदर एमएलए किसका होना चाहिए, समाजवादी पार्टी का, बसपा का या भाजपा का, यदि भाजपा का एमएलए होगा तो विकास की गंगा बहेगी जाएगी और यदि धोखे से आपने गलती कर दी, यदि धोखे से आपने गलती कर दी और आपने मुझे नहीं चुना किसी दूसरे को चुन लिया तो वह होमगार्ड वाली स्थिति हो जाएगी, उसकी होमगार्ड उसकी कोई औकात नहीं रहेगी, सरकार हमारी होगी उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। इसलिए आप सब लोग मिलजुल कर आने वाले इस संबल को मजबूत करने के लिए, संबल के विकास के लिए आने वाले ताजा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।